और प्यार हो गया। नमस्ते बाबूजी, आप लोग आइए ना, आइए अंदर आइए। मैं अभी बुलाती हूँ उनको। अर्पिता, नमस्कार। आप लोग बड़े प्लेजेंट सरप्राइज। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज आप आइए, बैठिए। दरअसल हम आपसे कुछ जरूरी बात करें। क्या हुआ बाबूजी, फिर से कोई समस्या आ गई क्या? हाँ बेटा, समस्या तो है, मुश्किल ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू। मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। प्लीज बाबूजी, मुझे इस तरह से शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो मेरे पिता समान हैं। तो जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, किसी के भी सम्मान को ठेस नहीं पहुंची। आपने कोई फैसला न करके हमसे बात करना जरूरी समझा। मैं आपकी जगह होता तो शायद इतना बड़प्पन नहीं दिखा पाता। अंत भला तो सब भला। पुरानी बातें भुलाकर अब आगे के बारे में सोचते हैं। अर्पिता, ये सुरक्षा कवच है। अक्सर नए दूल्हा दुल्हन को लोगों की बुरी नजर पड़ जाती है, इससे तुम्हें कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। पंडित जी ने तिलक और सगाई का मुहूर्त निकाला है। हम सब सोच रहे थे कि इस रस्म के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। कैसी बातें कर रही हैं भावना जी, एतराज किस बात का? लेकिन इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे करेंगे? अरे आप क्यों फिक्र करती हैं, वो हम सब संभाल लेंगे। बल्कि सुकेश तो तैयारियों में लग भी गया है। आप तो मंदिर चलने की तैयारी कीजिए बस, बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। माँ, मैं चाय और नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ बेटा जरूर। माँ, भाभी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, तो मैं देखी आऊँ? जा। माँ, अक्षत भैया को भी साथ में ले जाओ। हाँ हाँ ले जाओ, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी होने वाली वाइफ में कितना टैलेंट है। जा आइए। कुंवर जी कुछ खा लीजिए पहले, पेंटिंग्स तो बाद में भी देख लीजिएगा। चलो। कॉलेज में आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले ना पेंटिंग्स के लिए। आपको पता है मैं भी पेंटिंग करती हूँ, पर आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाभी आप खुश तो हो ना? तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मुझे ट्रस्ट किया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। इनफैक्ट तुम्हारी वजह से ये सब कुछ ठीक हुआ है। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सच लगा। आपको पता है बाबूजी क्या कहते हैं कि जीत हमेशा सच की होती है, और मेरे लिए सबसे बड़ा सच ये है कि मैं बहुत लकी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में होने जा रही है जहाँ सब लोग इतने अच्छे हैं, खास करके मेरी सासू माँ और मेरी प्यारी सी ननद। अरे आप तो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को भूल ही गई, अक्षत भैया। अरे अक्षत भैया 100 साल जिएंगे आप। भाभी अभी आप ही के बारे में बात कर रही थी, वो कह रही थी कि वो बहुत लकी है कि उन्हें आप जैसा हस्बैंड मिलने वाला है। अरे आप उधर क्यों खड़े हो, इधर आओ ना। अब आप भाभी को देखिए, अब आई मीन भाभी की पेंटिंग्स देखिए। अब मैं पानी पी कर आती हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। Finally, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। You know, I was so worried, Akshat.
कि कहीं तुमने सबको सच तो नहीं बता दिया। अगर अवनी मैनेजर को लेकर एक मिनट भी और लेट आती ना, मैं सबको सच बताने वाला था। और फिर हमारी शादी नहीं होती ना? अगर हमारी शादी नहीं होती तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करता। थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। अब सामने हमारा आने वाला कल है। लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी खड़ी है। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो आज। एकदम पोएट टाइप। पोएट एंड पेंटर, ये जोड़ी जमेगी कि नहीं? खूब जमेगी। अरे अब मुझे अपनी पेंटिंग्स तो दिखाओ, वरना अवनी आएगी तो क्या कहूंगा उससे। आओ। जाओ। Come on, मेहता साहब, हाथी निकल गया, बस पूछ ही बाकी है। यू जाओ और यू लेटर लेके आ जाओ। लगता है ऑलरेडी सब अच्छा हो गया। ये रहा वो लेटर। थैंक यू। वैसे ये लेटर है किसका? अजी वो पता है, इस लेटर की वजह से आज मेरा रिश्ता टूटते टूटते बचा है। ओ बिटिया मुझे माफ कर दो। I'm so sorry। सॉरी कहने से क्या होगा, इतनी बड़ी दुकान है आपकी, इतना बड़ा नाम है आपका, ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं आप? मैं आपकी कंप्लेन जरूर करूंगी, मैं आपके ओनर से बात करूंगी। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों नहीं, इतनी बड़ी लापरवाही की है आपने। जाने दीजिए ना बिटिया, और वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और मैंने उन्हें खुद जाके समझाया है। So, आप चाहते हैं कि मैं आपसे थैंक्स कहूं? You have no idea मेरे पेरेंट्स को कितनी तकलीफ पहुंची है। मैं आपके ओनर से बात करती ही रहूंगी। कमाल है, मैं तो यहाँ आपका भला करने आया था और आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ गई हैं। Really? आप मेरा भला करने आए हैं? और नहीं तो क्या। अरे मैंने उनके कहने पर आपका रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोला और आप हैं कि एक मिनट, किसके कहने पे? देखिए बताइए, नहीं तो मैं अभी की अभी आपके शोरूम जाके आपके ओनर से आपकी कंप्लेन करूंगी। टेल मी, किसने कहा है आपको ये सब करने के लिए? हाँ जीजू, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, रिश्ता बच गया। अरे ये मैनेजर तो कमाल के एक्टर निकले। हाँ जी जी बोरा। उसी ने ये सब कुछ किया है ताकि आपका रिश्ता ना टूटे। अरे उसे तो ये भी नहीं मालूम कि ये लेटर किसने भेजा था। मेरे पास आकर रिक्वेस्ट करने लगा कि मैनेजर साहब किसी की जिंदगी का सवाल है, और मैं उसकी बातों में आ गया और आप मुझ पर भड़क रही हैं। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। ठीक है अब आप जानो और वो, मैं अपनी शॉप चला। नमस्ते जी। ओके जीजू, आई टॉक टू यू लेटर। हां बाय। ए हाय व्हाट्स अप। ये सब तुमने किया? क्या तुम जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ? क्यों किया मेरे लिए ये सब? Why? I'm so sorry। मुझे आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। वैसे देखा जाए तो गलती आपकी है, आपने मुझे अपना दोस्त बनाया था, और मैं अपने दोस्तों और उनके पेरेंट्स की परेशानी नहीं देख सकता। इसे जब मुझे मालूम हुआ किसी स्टूपिड लड़के की वजह से आपका रिश्ता टूटने वाला है, तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने झूठ बोला। I'm so sorry, but trust me, ये बात कभी ऐसे निकलेगी नहीं, किसी को कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। I really can't believe this. आज के जमाने में तो लोग अपनों के लिए भी इतना नहीं करते जितना तुमने मेरे लिए किया। वो actually क्या है ना, शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है, और मैं नहीं चाहता था कि किसी की बुरी नियत की वजह से एक शादी होते होते रह जाए और किसी का विश्वास भगवान और शादी से हमेशा के लिए उठ जाए। अगर ये रिश्ता केवल इस वजह से टूट गया तो मेरा विश्वास शादी और भगवान दोनों से उठ जाएगा। Strange, पर किसी और ने भी मुझसे यही कहा था
उसने जिसे कुछ दिन पहले मैं जानती भी नहीं थी और आज वो मेरे बहुत करीब आ गई है। यही तो कमाल है रिश्तों का, जिसे हम जानते तक नहीं, ना नाम ना पता, वो अचानक हमारे दिल के सबसे करीब हो जाते हैं। जैसे तुम मेरे करीब आ गए हो राज, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है। अगर भगवान ने मुझे एक भाई दिया होता ना, तो मैं यही चाहती कि वो तुम्हारे जैसा होता। होता मतलब क्या है? ये जो आपके सामने खड़ा है, इसे अपना भाई समझ लीजिए। थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सर पे है, थोड़ा ना समझ है, लेकिन अगर आपको चलेगा तो चलेगा। ऐसे पागलपन पे, ऐसी ना समझी पे दुनिया की सारी समझदारी कुर्बान। और अपने इस भाई के लिए मैं राखी तक का इंतजार नहीं कर सकती। तुमने अपनी बहन का रिश्ता बचाया है, ये धागा तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। रुको, अभी मुंह मीठा करके जाना। एक मिनट, एक मिनट। आपने कहा था कि किसी और ने भी आपसे भगवान और शादी से विश्वास उठने की बात की थी? किसने की थी? क्या नाम है उसका? अवनी, 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 अवनी। सही कहते हैं जीजू, भलाई कभी बेकार नहीं जाती। एक बहन का रिश्ता मिला और उसका नाम पता चल गया, जो मेरे दिल के सबसे करीब है। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम, द क्यूटेस्ट नेम इन द वर्ल्ड, अवनी, 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 स्नैक्स रख लिए ना, बच्चों को चाहिए होते हैं। माँ, मेरे लिए पराठे रख लेना प्लीज, मैं स्नैक्स का देखा थे बोर हो चुका हूँ। रख लिए और तेरा मिर्ची का अचार भी रख लिए। माँ, you know what, you're the best। टम, सब रख लिया ना, कुछ बचा तो नहीं ना? और रह गया ना बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल और तीन चार गेम्स और ले जा, 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग। संक्रांत के बाद ठंड अक्सर कम हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं, उतारेगा नहीं। विजय आ जा। हाँ भाई, प्लीज आज कोई सीन क्रिएट मत करना। मैं कहाँ सीन क्रिएट करता हूँ, तुझे पता है ना, मुझे देख के पापा कभी भी शूट अप मार देता है। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा बस। हाँ, मेरे बाल। अब मूड तो स्पॉइल मत कर, सारी तैयारियां हो गई। Yes, dad, everything is perfect. हाँ भाई, चला जाए बाबूजी शॉल। नहीं नहीं नहीं, वो शॉल ऑल नहीं मोड़ता मैं। अरे ठंड है बाबूजी। अच्छा पर एक शर्त पे। क्या? लड्डू मिलेगा? नहीं नहीं, पहले बताओ लड्डू मिलेगा कि नहीं। मिलेगा। और मिलेगा ना। अरे सुनो, मेरा हारमोनियम तबला रखा है कि नहीं? चले। कुछ गाना वाना भी होगा ना? बिल्कुल। चले चले। पापा, कौन सी गाड़ी में कौन जाएगा? आज कोई गाड़ी में नहीं जाएगा। तो फिर हम कैसे जाएंगे? ऐसे। वाह, बस? हम बस में जाएंगे? स्कूल टाइम के बाद बस में जाऊंगी, कितना मजा आएगा ना। बुआ सा, बाबूजी ये इतनी बड़ी बस किसकी खड़ी है? जिसकी भी है बोलो ना हटाने के लिए, हमारे घर के बाहर क्यों पार्क करी है? ये बस हमारी है। हमारी? क्यों, आपने क्या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया है? अरे पूरी बात सुनना, कब सीखेगी तू? ये बस हमने किराए से लिए और हम सब लोग इस बस में जा रहे हैं। क्या मतलब सब एक साथ? हाँ। अरे पूरे परिवार का आनंद तो उसी में है ना, साथ में जाने में। अरे अग्रवाल साहब भी आ गए। नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। कैसे अग्रवाल साहब? आइए
अरे बेटा वो एक गाड़ी। हाँ भाऊजी एक गाड़ी साथ साथ चलेगी हमारे और शगुन का सामान भी उसमें है। चले माऊ जी टाइम से निकले तो टाइम से पहुंचेंगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है खाटू श्याम जी के मंदिर। ओए फिर बात तो सुन। क्या सुनूं शेर जी, उस दिन आप ही ने कहा था ना कि जब कान्हा जी चाहेंगे तभी मेरी गोद भरेगी, तो फिर मैं बार बार उनके चौखट पर जाकर उनको क्यों परेशान करूं? ओए वो सब ठीक है, पर तेरा मन था ना कि तू खाटू श्याम जी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएगी। मन का तो सब कुछ करके देख लिया ना शेरू जी, किसी चीज का कोई फायदा नहीं। क्या क्या नहीं किया मैंने, कहां कहां मन्नतें नहीं मांगी, व्रत किए, दान दिए, सब कुछ किया, लेकिन सब बेकार। ओए दिल छोटा ना कर सोनियो, देख जब इतना सब कुछ किया तो ये और सही, पर कम से कम तो दिल में मलाल तो नहीं रहेगा ना कि काश यहाँ गई होती, दिल की मन्नत पूरी हो गई होती। आप चाहे जो कुछ भी कह लो शेरू जी, लेकिन मैं फैसला कर चुकी कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तेरे जगह मैं चला जाता। नहीं शेरू जी, आप भी कहीं नहीं जाएंगे और आज आपको मेरी कसम है। अगर मेरी किस्मत में सोनी गोदी लिखी है तो यही से। अरे जब कान्हा जी ने मेरी ना सुनने की ठान ली है तो मुझे अब उनके सामने नहीं झुकना, नहीं झुकना मुझे। ओए मेरी सोनियो, घर में छोटा बच्चा आए या ना आए चलेगा, पर तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ओए ना मेरी सोनियो ना, ओए ना। क्या भगवान जी, आप भी ना कितने अच्छे हैं मेरे जीजू और डीजू, और आप इनको इतनी सी खुशी नहीं दे सकते। आपकी जगह वहां नहीं, यहां है, यहां बैठिए। आप भैया को कंपनी दो, वैसे भी उनका मन आपके बिना लगता नहीं है। आप उधर ही बैठो। अवनी तू अर्पिता के साथ बैठ, चल। पर अब तो इनकी शादी होने वाली है ना, तो साथ में बैठने में क्या प्रॉब्लम है? ओहो भाभी कितने सवाल पूछती है ये, अभी तक शादी हुई नहीं है, होने वाली है, और वैसे भी हमारे यहाँ शादी से पहले ये सब नहीं चलता है ना भाभी। अवनी भुआ की बात मानो, आभास तुम अक्षत के साथ बैठो और अवनी अर्पिता के साथ बैठेगी। सॉरी ब्रो, आई ट्राई। बहुत भूख लग रही है भाई। क्या हुआ भाई, तू ये सब खुद ही खा जाएगा? आप भी खा लो। मुझे नहीं खाना, लेकिन अवनी और बाकी सब लोगों को भी तो पूछ, हो सकता है कि बाकी सब लोगों को भूख लगी हो। बाकी सब लोग? हाँ, तो इन बाकी सब लोगों को मैं भाभी बुला सकता हूँ? आभास। अच्छा माँ, ओके। यार आप भी खा लो, ये लो। अक्षत यहाँ आओ, मिस्टर अग्रवाल बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया दे रहे हैं, तुम भी आओ सुनो। जी डैड। ओ गॉड, ये पापा को बिजनेस डिस्कशन अभी करना था? जी, हाँ बेटा? आपने तो कहा था कि हम पिकनिक मनाते हुए जाएंगे, फिर ये बिजनेस डिस्कशन कहाँ से शुरू हो गया? भाई बिटिया हमारी ठीक कह रही है। हाँ तो फिर क्या करना चाहिए बताओ। आइडिया, अंताक्षरी खेलते हैं, उसमें तो सबको वैसे भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, अब कोई ऑफिस की, काम की या बिजनेस की बातें नहीं करें, खुशी का माहौल है, सब लोग साथ में है, इसलिए हंसते खेलते धमाल मचाते हुए जाएंगे,
है ना? हाँ। ठीक है ना? तो हमारी अवनी का नहीं नहीं मेरा मेरा मतलब मेरा ये सोचना है कि सब लोग साथ में अंताक्षरी खेलेंगे। बाबू जी आप सब लोग खेलिए ना, वैसे भी मुझे गाने तो याद नहीं रहते। खेलिए ना प्लीज, हम सभी खेलेंगे और फिर बाबूजी भी तो खेल दे। अरे भाभी भैया नहीं खेलने वाले, डरते हैं बहुत हारे हैं मुझसे। क्यों भैया? जीतता तो मैं ही था हमेशा, तुम तो सिर्फ चीटिंग करती थी। अच्छा तो लगी शर्त, आओ हरा के दिखाओ हमें। हाँ तो हो जाए हो जाए। लेकिन सबसे पहले अक्षत भैया आप यहाँ आकर बैठो, वरना पापा वापस से बिजनेस डिस्कशन शुरू कर देंगे। जाओ भाई जाइए, पीछे जाइए। तो अब जब पापा और बुआ सा में शर्त लगी गई है, तो लेट्स हैव अ बॉयज वर्सेस गर्ल्स अंताक्षरी। चलो साथ बैठ नहीं सके, लेकिन अक्षत भैया और अर्पिता भाभी साथ साथ तो है। कैसा होता है ना ये साथ, कल तक अजनबी थे, आज सबके बीच होते हुए भी एक दूसरे को ही देख रहे हैं। क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा?